दोस्तों, अगर आपके पास भी Realme 2 फ़ोन है तो आपको उसमें एक दिक्कत ज़रूर देखने को मिलती होगी कि अब तक उसमें जो रिबूट का ऑप्शन था वो नहीं आता था। अगर आप जो है पावर की बटन को दबाकर रखते हैं तो आपको वहाँ पर जो है ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप वहाँ से डायरेक्ट फ़ोन को बंद कर सकते हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं, इमरजेंसी और कैंसिल, ये तीन ऑप्शन आपको देखने को मिलते थे। लेकिन आपको रिबूट का ऑप्शन कहीं पर भी नहीं मिलता था। आप अगर यूट्यूब पे सर्च मारते थे तो आपको वहाँ पर जो है कुछ ऐसी वीडियोस मिलती थी जो कि कहती हैं वॉल्यूम अप का बटन दबाइए और पावर की बटन को एक साथ दबाइए और फ़ोन बंद हो जाएगा। दोस्तों, उसे रिबूट नहीं, उसे फोर्स रिबूट कहते हैं। रिबूट का ऑप्शन जो होता है वो अलग होता है। फोर्स रिबूट तब किया जाता है जब आपका फ़ोन एकदम हैंग हो जाए और किसी भी आप कोई भी एक्शन ना कर सके, ना तो आप बैक जा पा रहे, ना कुछ कर पा रहे, देन आप उस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अभी आज के टाइम पे कल जो है एक नया अपडेट आया है, वो अपडेट क्या है और कैसे आप रिबूट के ऑप्शन को पा सकते हैं, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये सब कैसे होने वाला है। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा अपने फ़ोन की सेटिंग में। जैसे ही आप फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे तो आप यहाँ पर जाकर अबाउट फ़ोन खोलिए और वहाँ पर चेक कीजिए आपका कलर ओएस वर्ज़न। अगर आपका जो कलर ओएस वर्ज़न 5.2.1 है दोस्तों, सही है। इसमें दोस्तों कल एक नया अपडेट आया है वर्ज़न 5.2.1 में। इसमें क्या है कि जब भी अब इसमें रिबूट का ऑप्शन इन्होंने खुद से ही दे दिया है। एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ डायरेक्ट। अगर अब मैं अपने फ़ोन की पावर बटन को डायरेक्ट बंद करता हूँ, आप देखते हैं मैं दबाता हूँ, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, इमरजेंसी, कैंसिल, स्विच ऑफ, और ऊपर ये जो ग्रीन वाला आइकन है, ग्रीन वाला है, ये है स्वाइप अप टू रिबूट का ऑप्शन। अगर मैं इस वाइट कलर वाले पर क्लिक करके इसको ऊपर की तरफ ले जाऊं तो ये स्वाइप अप टू रिबूट के ऑप्शन पर चला जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर ले जाऊं तो मेरा फ़ोन जो है वो रिबूट हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप जो है रिबूट के ऑप्शन को पा सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली अबाउट फ़ोन में जाना है और वहाँ से अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लेना है। आई होप दोस्तों कि आपका अब ये जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। बहुत से लोगों को ये डाउट आता है और मुझे भी यही चीज़ की दिक्कत थी जब मैंने फ़ोन लिया था। मेरे पास पुराना वाला जो मेरा फ़ोन था वो था रेडमी नोट 4, वो चोरी हो गया बस में, तो इस वजह से अब मुझे जो है नया फ़ोन लेना पड़ा रियलमी 2। और इसके बाद यही दिक्कत आ रही थी, अब वो दिक्कत खत्म हो गई, रियलमी ने इसका अपडेट जो है वो दे दिया है। अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट है किसी और चीज़ को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।